आज हम बनाने वाले क्वेश्चन, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम लिया है हाफ कप जितना, एंड इसे बीट कर लो अच्छे से बीटर से। एंड इफ यू हैव हैंड विस्क तो आप उसे भी कर सकते हो, पर उससे थोड़ी देर लगेगी। हो सके तो इलेक्ट्रिक ब्लेंड बीटर का इस्तेमाल करो एंड इसे अच्छे से बीट कर लो। पहले लो फ्लेम पे, लो स्पीड पे करना पहले, उसके बाद फूल जाने के बाद आप 3-4 स्पीड पे कर सकते हो। एंड यहाँ पे बीट होने के बाद मैंने बिटाने का 1 पीस क्रम्स करके डाल दिया है मिक्सर को, एंड इसे फ्रीज में रख दो। एंड कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याले में आधा से थोड़ा ज्यादा दूध लिया है, एंड अलग से एक कप पे मैंने 3-4 चम्मच शुगर डाल दिए। ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड 4 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है, एंड अच्छे से मिक्स करके ऑफ फ्लेम में पहले बंद गैस में इसे अच्छे से डाल के अच्छे से मिला लो पहले, ताकि गुटकियाँ ना आ जाए। एंड उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा में गैस ऑन कर दिया था इसका। एंड अच्छे से कंटिन्यू आपको इसे मिक्स करते रहना है। इफ अगर आप छोड़ दोगे तो ये नीचे से चिपक जाएगा एंड जल जाएगा, सो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको इसके ऊपर पूरा ध्यान देना है और पूरे इसके ऊपर रहना है, अच्छे से मिलाते जाओ। आप देखोगे थोड़ी ही देर में इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, और ये पूरा अलग दिखेगा। आप देख सकते हो पूरा चेंज हो जाएगा, ये देखिए पूरा थिक हो गया। मैंने गैस ऑफ कर दिया, आप देख सकते हो कितना अलग हो गया है ये। अब इसे ठंडा करने के लिए छोड़ो। मैंने थोड़ा सा दूध ऑप्शनल है या डाल सकते हो नहीं भी, मैंने डाल के थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा स्मूथ कर लिया है। मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड पर रख दो। सो अभी हम लेयर्स की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर बिटाने के जो केक्स हैं वो मैंने 3 लेयर्स करके डाल रखे हैं, क्योंकि ये थोड़े मोटे थे तो एंड वैसे ड्राई होते तो ये सोक नहीं कर पाते मिल्क को, तो मैंने काट के रखा है। एंड इसके ऊपर मैंने मिल्क डाला है। इसे अच्छे से सोक करने के बाद जो एक्स्ट्रा मिल्क है वो मैंने निकाल लिया है एक बाउल में। आप यही मिल्क आप 2-3 लेयर जितने भी लेयर बना रहे उसमें यही काम में लेना आपको, क्योंकि इसमें केक का जो है वो टेस्ट रहेगा मिल्क में। एंड उसके बाद अच्छे से कस्टर्ड को मिक्स करके इसके ऊपर एक लेयर लगा दो अच्छे से, एंड बहुत अच्छे से करना गाइस, क्योंकि इसका ही पूरा खेल है। अच्छे से लेयर बनाने के बाद अब यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम की एक लेयर लगानी है, तो व्हिप क्रीम की लगा दो। तो यही से एक और बार दोहराएंगे। इफ यू हैव थोड़ा गहरा बाउल तो आप 2-3 लेयर ऐसे जमा सकते हो। मैंने यही कंटिन्यू प्रोसेस किया है केक कस्टर्ड एंड क्रीम। इसे तैयार होने जाने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ी किटकैट को क्रम्स करके मतलब थोड़ा चूरा करके इसके ऊपर डाल दिया था, क्योंकि वो क्रम बहुत अच्छा लगता है जो बाइट आता है। एंड 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँ। एंड उसके बाद रेडी है। एंड जाते जाते सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल। बाय।